NA 122 में बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एतराज दायर किया गया। मियां नसीर ने मौकफ अख्तियार किया कि बानी PTI सजा याफ्ता है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। एतराज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर ने दायर किया है और साथ ही साथ NA 122 लाहौर में बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज, बानी PTI सजा याफ्ता है, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। इस मुतालिक बात करेंगे, असद शाह ने हमें ज्वाइन किया। असद, मजीद तफसीलात दीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, NA 122 में तरीके इंसाफ के कायद और बानी चेयरमैन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। कागजात नामजदगी का जांच पड़ताल का अमल जो है जारी है। बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ के कागजात पर एतराज उठा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद ने एतराज रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जमा करवाया। मुस्लिम लीग नून की जानब से मियां नसीर अहमद साबिक MPA ने तहरीरी एतराज दाखिल करने पहुंचे थे। जो है बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ सजा याफ्ता है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मियां नसीर अहमद ने जो है एतराज में ये मौकफ अख्तियार किया है। जी जी बहुत शुक्रिया सर।